Hello everyone, welcome to the mathematics classes. Myself Ashish Kumar Mishra and I am teaching on an Academy Plus platform. तो आज स्टूडेंट्स मैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ. और अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसपे आपको 9th से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स में यहाँ पे 9 to 12 मैथ्स, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दोनों माध्यमों में मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश. दोनों माध्यम के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, राइट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे स्टडी वो दोनों टाइप्स के स्टूडेंट जो भी करते हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो वो कर सकते हैं. और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 9 से 12 तक का मैथमेटिक्स मिलेगा और साइंस में भी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 9th 10th का इसमें यहाँ पे इसी चैनल पे आपको साइंस भी मिलेगा, ठीक है. तो मैथ्स और साइंस दोनों की यहाँ पे क्लासेज आप लोगों को अवेलेबल होगी, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का क्लास लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्लास, मैथ्स का क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो क्लासेज जो है वो तो आपको 9 से 12 तक की क्लास मिलेंगे ही मिलेंगे. तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए. और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और चैनल है मेरा आशीष मैथ्स के नाम से, ठीक है. तो आप, मैं उसका लिंक जो है हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसमें आपको मैं NDA तो यहाँ पे आपको CDS NDA CAT, साथ ही साथ CAT के साथ साथ आपको रेलवे, बैंक्स, SSC का मैथमेटिक्स का भी क्लास आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा. तो अभी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ ले रहा हूँ, बाकी का और बहुत सारे फैकल्टी हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं जो कि आपको और बाकी के सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे NDA CDS CAT रेलवे बैंक्स, तो इसके लिए आपको आशीष मैथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो ये चैनल पे आपको मैथ्स अभी मिल रहा है, ठीक है. तो ये आपका NDA CDS CAT रेलवे बैंक SSC और आपका UPSC का जो आपका CSAT होता है वो उसका भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है. अगर आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, रेलवे कैटेगरी में, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. और जो कि मेरा कोड है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैं लिख देता हूँ, मेरा कोड है SHIVGOVIND 1001-501. इस कोड को अप्लाई करते ही आपको जो है 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा. किसी भी कैटेगरी में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक ही चैनल पर सारे विषयों की पढ़ाई होती है. तो ये जो कोड है वो किसके लिए है, अनअकैडमी प्लस के लिए, ठीक है. तो इस कोड को अप्लाई अगर आप करेंगे तो अनअकैडमी प्लस पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, राइट. तो ये आपका है अनअकैडमी प्लस पे इनरोल होने के लिए. लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो ये जो चैनल, जैसे कि आशीष मैथ्स हो गया, आपका ये मैथमेटिक्स क्लासेस भाई AK मिश्रा है, तो ये दोनों चैनल पे जो क्लासेज जो मिलेंगे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकन को दबाना है, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली क्लासेस जो हैं वो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना तो इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे आज जो हम लोग जो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो नाइन्थ का जो चैप्टर है उसमें हम लोग किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारे चीज के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें तो ये जो टॉपिक है हमारा हेडिंग है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना क्या गया है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, राइट। तो इस चीज का ध्यान देंगे, सबसे पहला हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर, द नंबर द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, राइट। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो यहां पे काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यू कैन टेक द एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफिनिट्स, राइट। साथ ही साथ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स हो गया। अब यहाँ पे दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकेंड टर्म के बारे में, तो सेकेंड टर्म जो आपका होता है नेचुरल नंबर के बाद अगर मैं बात करूँ तो होल नंबर, ठीक है। सेकेंड टर्म जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर विथ जीरो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया होल नंबर। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट आपका हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर में क्या होगा। तो पहला मैंने देखा नेचुरल नंबर, दूसरा मैंने देखा होल नंबर। अब तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, और इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। इस चीज़ का ध्यान देंगे कि इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करें इंटीजर, तो इंटीजर होता क्या है, द तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जो भी नंबर आते हैं, लेकिन पी बाई क्यू में होने चाहिए, और q जो होगा वेयर q इज इक्वल टू 1, राइट। और p जो होता है, p में भी निगेटिव एंड पॉजिटिव, p जो हो सकता है वो आपका क्या होगा, या तो निगेटिव होगा या तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, तो p आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कोई एक भी, कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनाइट डॉट डॉट अगर हम लोग बात करें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा इन्फिनाइट तक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इन्फिनाइट तक इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारा टर्म जो यहाँ तक जो टर्म आया वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे अगर जीरो से ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अगर हम लोग इधर जीरो से नीचे के बारे में बात करें तो जीरो से नीचे वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। जैसे अगर माइनस से अगर हम लोग इधर के बारे में बात करें, ये माइनस इंफिनिटी वाला, तो ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज, एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि जीरो जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये जो है न्यूट्रल इंटीजर में इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए इतना तक समझ में आ गया।
अब हम लोग इंटीजर के बारे में बात, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट जो फोर्थ आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आपके पास ये है हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो वैसा नंबर, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट, पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, एंड वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यही आपका टोटल अच्छे से डिफाइन होता है आपका रेशनल नंबर का, क्योंकि आपका जो है रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो जो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी, एंड वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम, मतलब पी और क्यू जो ऊपर और नीचे का जो टर्म है उसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं टू बाई थ्री, दूसरा लिख सकते हैं आप फाइव बाई सेवन, तीसरा लिख सकते हैं आप सेवन बाई इलेवन, तो ये सब आपका रेशनल नंबर है। लेकिन सॉरी, अब अगर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि सर क्या थ्री बाई सिक्स रेशनल नंबर है, तो थ्री बाई सिक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में थ्री बाई सिक्स जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये जो है आपका वन बाई टू आ जाएगा, तो वन बाई टू इज द रेशनल नंबर, तो ये वन बाई टू जो है ये इसका रेशनल नंबर है, और इसका इक्विवेलेंट अगर रेशियो अगर कोई बोले या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले तो वो आपका क्या आ जाता है, थ्री बाई सिक्स आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये फोर समझ में आया, अब हम लोग फाइव के बारे में बात करेंगे रेशनल नंबर के बाद, तो रेशनल नंबर के बाद आपका आ जाता है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो रेशनल नंबर से अगर पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लें, रेशनल नंबर से पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लें, तो यहां पे फोर नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका फाइव नंबर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर के बाद अगर हम लोग बात करें ई रेशनल नंबर, ठीक है, तो ई रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट, तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द पाई रूट थ्री, सॉरी रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, तो ये सब जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें इरेशनल के बाद, तो बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि ऑड नंबर होता है स्टूडेंट्स, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, not divisible by 2, ठीक है। तो यहाँ पे example में इसका क्या आ जाएगा, example में आपका आ जाएगा 1, 3, आपका आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आगे आ जाएगा 9, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टाइप के नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप का नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवेन नंबर में क्या होता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है, तो डिविजिबल बाय टू, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय टू, दैट इज कॉल्ड द, आपको क्या आ जाएगा, इवेन नंबर आ जाएगा। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, और डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अब इसके बाद 6, 7 के बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो सॉरी 6, 7 से अगर हम लोग आगे बात करें 8 नंबर में, तो 8 नंबर में आपका इवेन नंबर के बाद आगे आ जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वैसा नंबर जिसमें द नंबर हैविंग द ओनली टू फैक्टर, ठीक है, जिसका नंबर, वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दो फैक्टर्स होते हैं, दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं,
केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द नंबर हैविंग द ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर, राइट। तो इस चीज का ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है। अब 8 के बाद अगर हम लोग आगे बात करें, 8 के बाद, तो 8 के बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपका आता है 9, और 9 के बारे में अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो 9 में आपका जैसे एग्जांपल में आप प्राइम नंबर में बोल सकते हैं कि इसका प्राइम नंबर का एग्जांपल में होगा आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और ये आपका डॉट डॉट नॉट डिफाइंड मतलब डॉट डॉट इनफिनाइट तक चला जाएगा। अब प्राइम नंबर के बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो वो आपका आ जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट में, कंपोजिट नंबर। आज हम लोग सारे नंबर के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को नंबर में डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद उनको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, कंपोजिट नंबर में सॉरी, तो कंपोजिट नंबर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो नंबर हैविंग मोर देन थ्री फैक्टर्स या फिर मोर देन टू फैक्टर्स यू कैन से, तो यहाँ पे आप इसको टू फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, टू फैक्टर्स ही होगा। तो वैसा नंबर जिसमें क्या होता है कि जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, राइट। तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका आ जाएगा 4, सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका आता है 4। तो 4 को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, तो मोर देन टू फैक्टर हो गया। यहाँ पे जो भी मैंने बताया प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है, अगर 1 के अगर 2 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 2 जो है वो दो अलग अलग संख्याओं से कटता है, एक 1 से कटेगा एक 2 से कटेगा, 3 कटता है तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 कटता है तो 1 और 5 से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके जिसके दो केवल दो फैक्टर होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, इसके बाद आपका 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका नंबर्स आ गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर, और इसके आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो कंपोजिट नंबर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका कंपोजिट नंबर के बाद जो है नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका आ जाएगा रियल नंबर, ऐसे को प्राइम भी होता है, तो वैसा दो नंबर सॉरी, तो को प्राइम नंबर में क्या होगा, को प्राइम नंबर, राइट। तो दोज टू नंबर्स those two numbers whose HCF is 1 HCF is 1 are called co prime number। तो ये जो होता है आपका co prime number होता है, समझ में आ गया students। तो example में आप लिख सकते हैं कोई भी दो ऐसा number, कोई भी दो नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ HCF आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 2 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर तो बात करेंगे तो आपका आ गया 2.3 भी लिख सकते हैं, इसके बाद अगर हम इसको 3.4 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से बहुत सारा हो सकता है। एंड अगर आगे अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे को प्राइम के बाद एक होता है ट्विन प्राइम, ठीक है।
आज हम सारे नंबर के बारे में आप लोगों के बीच में डिस्कस कर देता हूँ। ट्विन प्राइम में क्या होता है कि वैसे दो नंबर्स, वैसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या होता है, दो होता है, ठीक है। जैसे कि तुम आप एग्जांपल ले सकते हैं 3 और 5, दूसरा हो गया 5 और 7, तो ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 5 एंड 7 आ गया। दूसरा आप लिख सकते हैं 11 एंड 13, उसी तरीके से 17 और 19, तो इस तरीके से आपके ट्विन प्राइम नंबर हो गए। बहुत सारे हो सकते हैं इसके भी पेयर। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो रियल नंबर, इतना नंबर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रियल नंबर तो रियल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सारे नंबर्स, ये सारे नंबर, जो भी नंबर जिसे हम लोग नंबर नाइन पे डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो नंबर, द नंबर विच इज सोन इन, विच इज सोन ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जितने भी नंबर्स होते हैं तो वो सारे नंबर्स रियल नंबर हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो स्क्वायर रूट जिसका माइनस में होता है उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जैसे जिसको नंबर लाइन में डिनोट नहीं किया जा सकता। तो इमेजिनरी नंबर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल ही मैं देख लेता हूँ, तो इसमें आपका आ जाएगा -√2, ठीक है, -√3। रूट के अंदर कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर क्या माइनस में आता है, कभी भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे -4 है तो 4 तो अगर स्क्वायर आता है, लेकिन -4 किसी का स्क्वायर नहीं आता है, तो उसका -4 का स्क्वायर रूट भी कुछ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इस तरीके के नंबर्स को नंबर लाइन में नहीं डिनोट कर सकते, सो वी कैन कंसीडर इट एज अ इमेजिनरी नंबर। तो ये सारा आपका फुल कॉन्सेप्ट हो गया नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किस चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। जैसे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक्स है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसे